मी यू आई 11 जल्दी ही रिलीज होने वाला है, पर मी यू आई 11 के कुछ फीचर्स लेटेस्ट बीटा अपडेट्स में आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में लेटेस्ट बीटा अपडेट्स में क्या क्या मी यू आई 11 के फीचर्स आए हैं यही बताऊंगा। तो यहाँ पे आते हैं अबाउट फोन में, तो यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट बीटा मी यू आई 10.9.3 का ये वर्जन चल रहा है, जिसमें ये मी यू आई 11 के कुछ फीचर्स मी यू आई 10 में यहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे पहले टेस्ट कर रहे हैं, और फाइनल यहाँ पे मी यू आई 11 में यही सेम फीचर आपको देखने को मिलेंगे। उसके पहले गाइज मैंने पार्ट वन का भी वीडियो बनाया है कि मी यू आई 11 के कुछ फीचर्स है, बहुत ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स है, तो उसका वीडियो आपको देखना है तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ जाके आप ये फीचर्स देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अल्ट्रा सेविंग मोड आपको देखने को मिलता है, तो उस फीचर का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया, आप ऊपर जाके चेक कीजिए आई बटन पे। तो बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स की, जो यहाँ पे आपको 3D टच देखने को मिल जाता है। मतलब आप गाइस कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करते हो तो यहाँ से आप लॉन्चर से डायरेक्ट उसको शेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको डायरेक्ट शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारे अदर भी ऑप्शन आपको इसके अंडर में मिलने वाले हैं, हालांकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं, और यहाँ से भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डायरेक्ट लॉन्चर से या होम स्क्रीन से सेंड कर सकते हो। तो ये भी फीचर यार काफ़ी अमेजिंग है। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो यार ये भी काफ़ी कमाल का है। तो आपको मी यू आई 11 में बहुत सारे न्यू एनिमेशन देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो स्क्रीन में हमारा कैमरा का आइकॉन आता है उसका एनिमेशन कैसे यहाँ पे चेंज हो चुका है। पहले वाला से ये जो एनिमेशन आ रहा है वो काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो टोटल मी यू आई 11 में बहुत सारे न्यू एनिमेशन भी आने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो आने वाला है गाइस मी यू आई 11 में, वो है कि आपके विहाल, मतलब आप जब फ़ोन के पास अवेलेबल नहीं होते हो और किसी का कॉल आता है, तो यहाँ पे जो अपना असिस्टेंट है वो कॉल पिकअप करके यहाँ पे बातें करेगा। हाँ गाइस, ये तो चाइना में 100% फीचर आएगा, कि इंडिया में फीचर आएगा कि नहीं आएगा मुझे इतना आइडिया नहीं है फिलहाल। तो अभी तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि यहाँ पे जो MI का जो असिस्टेंट है वो बातें कर रहा है। तो इंडिया में ये गूगल असिस्टेंट के साथ आएगा तो काफ़ी कमाल हो जाएगा। तो मैं भी यार इस फीचर का काफ़ी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो गाइस आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो यार लाइक करना, एक लाइक करना बस। बात करते गाइस यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की, फीचर तो है गाइस काफ़ी कमाल का है। तो यहाँ पे मैं आपको दिक्कत देता हूँ कि आप डायरेक्ट यहाँ से, मतलब अपने पिक नोटिफिकेशन से यहाँ पे शेयर का ऑप्शन ऑन कर सकते हो, और यहाँ से बहुत सारे फाइल्स आप दूसरे फ़ोन से डायरेक्ट अपने फ़ोन में ले सकते हो। तो यहाँ पे गाइस एक MI शेयर का एप्लीकेशन पता है, उसका जो शेयर का जो ऑप्शन है डायरेक्ट आप यहाँ पे क्विक टॉगल से ऑन कर सकते हैं। उसके साथ गाइस यहाँ पे मी यू आई 11 में आपको जो ऊपर का क्लॉक देखने को मिल जाता है क्विक टॉगल वाला, वो थोड़ा सा बोल्ट, मतलब थोड़ा सा मोटा यहाँ पे देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू MI यू आई 10। तो ये अपडेट लेटेस्ट बीटा में भी आ चुका है। उसके साथ यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो है अपना फाइल मैनेजर ऐप। जो MI का फाइल मैनेजर ऐप है गाइज यहाँ पे चेंज किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। और यार ये सिंपल इंटरफेस मुझे काफ़ी पसंद आया, यहाँ पे आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज देखने को नहीं मिलती, सीधा और सिंपल यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से यार ये भी चेंज है ना वो काफ़ी कमाल का है, और आपको मी यू आई 11 के साथ ये चेंज देखने को मिलेगा अपने फ़ोन में। तो गाइस ऐसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो है सिक्योरिटी एप्लीकेशन। हाँ गाइस सिक्योरिटी एप्लीकेशन में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे किए हैं, और यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे आपको देखने को मिलते हैं, सिक्योरिटी और यूटिलिटीज़। और यूटिलिटीज़ में आपको बहुत सारे शॉर्ट यहाँ पे फंक्शन फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ सिक्योरिटी एप्लीकेशन रीडिज़ाइन किया है, और सिक्योरिटी एप्लीकेशन में सिक्योरिटी और यूटिलिटीज़ ये दोनों जो ऑप्शन है वो अलग अलग किए हैं। तो यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जो मी यू आई 11 है वो फर्स्ट रिलीज होने वाला है 24 सितंबर को, और बहुत सारी ये न्यूज़ यहाँ पे आ रही है निकल के। तो गाइस आपको क्या लगता है, सच में रिलीज़ होगा 24 को? तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। जय हिंद।